हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक किताब के किसी एक अंश का पाठ लेकर के आपके सामने आई हूँ। लेकिन इसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि किसी किताब के किसी अंश का पाठ मैं कर सकती हूँ तो वह किताब आप मुझ तक भेज सकते हैं। अगर मुझे लगा और मेरी लाइकिंग में वह किताब हुई तो मैं उसके किसी भी एक अंश का पाठ जरूर करूंगी आपके लिए, मुझे करके खुशी होगी। और हाँ, बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पर जाकर के आप हमारे लिए कॉफी खरीद सकते हैं। कम से कम एक कॉफी, ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी, आपकी जितनी श्रद्धा। तो आज मैं आपके सामने जिस किताब के अंश का पाठ करने वाली हूँ वह है, उसका शीर्षक है वात भक्षा, जिसे लिखा है डॉक्टर उषा किरण खान ने, जो पद्मश्री से भी सम्मानित है। डॉक्टर उषा किरण खान का यह उपन्यास पिछले साल 2021 में आया है और अभी कुछ दिनों पहले मैं जब बिहार पटना गई थी और उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने यह किताब मुझे भेंट की है और अपने बड़े बड़े ही प्यार के साथ उसमें इन्होंने लिखा भी है चिरंजीवी विभा के लिए। तो उनके मुंह से चिरंजीवी सुनना अपने लिए ऐसा है कि जैसे दुनिया का सारा खजाना मुझे मिल गया। मैं इस किताब के, इस उपन्यास के एक अंश का पाठ मैं करूंगी और वह पाठ बगैर किसी देर के, विलंब के मैं आपके सामने कर रही हूं। गृह प्रवेश में निधि आई। रम्या इंदु जी ने खूब भजन गाए। युथिका तथा माँ उनसे बहुत प्रभावित थे। युथिका ने उनसे दुबई आने का आग्रह किया। मंच पर बुलाने का उसका मन था। रम्या ने हाँ कर दी। युथिका ने माँ को विथिका के पास छोड़ा और कहा, विथिको की माँ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि माँ ही तुम्हारा ख्याल रखने लगे। जलती क्यों हो, विथिका ने माँ को अखबार में भरते हुए कहा। माँ, आप संगम स्नान तो करेंगी, निधि ने कहा। हाँ बेटा, जरूर करूंगी, तुम्हारे पास आऊंगी, माँ ने प्यार करते हुए कहा। युथिका माँ को लेकर थोड़ी असुरक्षित महसूस करती। जल में अकेली न जाने देना, कहा उसने। ना, सिर्फ तुम ही मासी का ध्यान रख सकती हो, हम तो बुद्धू हैं। श्यामल ने आते आते सुना और कहा, तुम तो होगे ही वहां, मुझे तब कोई फिक्र नहीं। अच्छा हुआ तुम अकेली आई, साला चड्ढा साथ आता तो मैं उसे बोटिंग के बहाने गंगा जी में ले जाता और धकेल देता, श्यामल ने कहा। ओ मागो, लेकिन ऐसा क्यों करते? अरे, बचपन से जिस शेरनी का चंगुल सहता आया उसको वो ले उड़ा साला, देखो जरा इसकी शान पट्टी। अरे मेरी नजर बहुत तेज है बच्चों, तेरी नजर उस दूधिया कन्या के चिकने सीधे केशों में जाउल जी है, जो कोमल स्वर वाली कोकिला को भी मात देती है। पहले बताओ कब की तारीख निकल रही है, शादी कहाँ करोगे? इसी बंगले में ना, कन्यादान करने को मैं मिसेज युथिका चड्ढा कब आ जाऊं? युथिका के कहते ही निधि ने सर झुका लिया। विथिका बेवकूफों की तरह दोनों का मुंह ताक रही थी। मैं सीधा पाणी ग्रहण करूंगा, तुम सब सिर्फ दुर्भाक्षत छीटोगे और क्या समझी, शर्माया सा श्यामल बोल उठा। युथिका और निधि श्यामल को जाने से पहले रम्या इंदु ने अपने आवास पर दोपहर का भोजन करने बुलाया। वहां विवस्वान के साथ नानी का अतिशय लगाव देख निधि तथा विथिका का दिल भर आया। युथिका जो बच्चों को दूर से ही प्यार करती थी वह भी इसे प्यार कर रही थी, वह भी गोद में लेकर। माँ और वेदिका की गृहस्थी खूबी अच्छी चलने लगी। गोपालपुर में जो हवेली और खेत देख रहे थे वे अपनी अकेली बहन को माँ की सेवा के लिए छोड़ गए थे। अब वहां से चावल, मूंग और उड़द की दालें आने लगी। सारा रुपया बेचकर जमा कर दिया करते थे, फल वगैरह खाते पीते थे। गोपालभोग चावल खुद खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, उसे ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता था। अब वह माँ के पास आने लगा। विथिका का मन बदलने लगा, वह खुश रहने लगी। निधि आई थी तब वह श्यामल के साथ मंदिर तथा अपने पुराने आवास पर गई थी। श्यामल के बाबा राखाल भट्टाचार्य की समाधि पर खड़े होकर उनकी बेटी का हाथ मांगा तथा संकल्प लिया कि यहीं आकर विवाह करेगा। वही हुआ, उसने उसी भगवती मंदिर में निधि का पाणी ग्रहण किया। मंदिर की देवी ने मानो अपनी बड़ी बड़ी पथराई आंखों से सब कुछ देखा। वे आज विवाह के जोड़े में निधि को देख रही थी, जिसे सफेद लिबास में चंदन का टीका लगाए देखा था। उसे संन्यस्त जीवन से मानो गृहस्थी की ओर लौटती देख रही थी।
यह पूरा विश्वविद्यालय परिसर तब घोर उथल पुथल से गुजर रहा था। देश की सीमा पर युद्ध हो रहा था। जनजीवन सामान्य नहीं था। तब इनके विवाह की पार्टी या समारोह की गुंजाइश ही नहीं थी। 4 दिन निधि और श्यामल यहाँ रहे, फिर चले गए। इलाहाबाद में इनकी गृहस्थी शुरू हो गई। निधि कभी कभी सोचती कि गंगा के ऐन तट पर बने मंदिर के परिसर में जन्म और लालन पालन, सबसे छोटी होने के नाते खेलती नाचती गाती, कब बड़ी हुई, कब कॉलेज से विश्वविद्यालय की ओर कदम बढ़ाए और कब तक चट्टानों सा मुसीबतों का टूट पहाड़ टूट पड़ा समझ ना पाई। विधिका जैसी गंभीर संवेदनशील लड़की के जीवन का ऐसा रहस्यमय मोड़ आया, यह सब निधि ने अपने ऊपर झेला। यह श्यामल दास विधिका के परिवार का पुराना साथी कोई मदद नहीं कर पाया उसकी। श्यामल दास भी वंचित सा दिख रहा है। यह बड़े अफसर परिवार का लड़का ऐसा लगता है मानो बड़े पेड़ से गिरा हुआ कोई पत्ता हो, अब वह वृक्ष में नहीं लग सकता। वृक्ष को इसकी पीड़ा नहीं सताती, शायद इसे भी दर्द का एहसास नहीं है। कैसे निधि के जीवन की अमूल्य थाती बनकर आ जुड़ा, नदी नाव के इस संयोग का कहना ही क्या। श्यामल का इजहार भी चौंकाने वाला था। एक दिन नौका विहार की सोचकर संगम की ओर गए दोनों। पटना के नौका विहार को याद कर रही थी निधि। उसके बाबा प्रतिदिन मंदिर की नाव खेकर उत्तर की ओर बढ़ते और कलसी में गंगा जल भर लाते भगवती के स्नान के लिए। निधि प्रायः साथ हो लेती। कहते कि उत्तर का जल शुद्ध होता है, दक्षिणी तट से जल लेकर पूजा नहीं की जाती। इलाहाबाद की विराट गंगा यमुना को देख मचल जाती निधि। वहीं बैठे बैठे इसने कहा था, श्यामल क्या आप विधिका को पसंद करते हैं? बिल्कुल, विधि को मैं बहुत प्यार करता हूँ। स्निग्ध हो आया चेहरा। तब आप झिझकते क्यों हैं उससे कहने में? मैं नहीं झिझकता, सदा कहा है उसे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हैरत में थी निधि की इस युवक को छोड़ विधिका क्यों विपदगा हुई। जैसा कि लोग कहते हैं वो मटेरियलिस्टिक है, सिर्फ करियर के लिए रिस्क लिया। नहीं, विधिका ऐसा नहीं हो सकती है। क्या सोचने लगी मोहतरमा? श्यामल दास ने पूछा। सोचने लगी कि उसने मुझे क्यों नहीं कहा। कभी उसने नहीं कहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ? नहीं, पर तब देर क्यों कर रहे हैं? आप लोग शादी नहीं? एक मिनट, मैंने शादी कर लेने वाले प्यार के विषय में कहा क्या? तो उसे छोटी बच्ची बहन के रूप में देखता रहा हूं मैं। ओह, श्यामल गंभीर थे, उसकी ओर देख रहे थे। निधि, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? एक सहृदय विश्वसनीय व्यक्ति लगते हैं आप। तभी आपसे कहा है, मौका देंगे तब और कुछ कहूंगी। मैं अब अपने आप को मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वैसा वाला प्यार करता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। निधि का चेहरा लाल हो गया, वह शर्मा गई। मेरी पृष्ठभूमि तुम जानती हो, पर आंशिक रूप से मैं एक हरिजन हूँ, तुम उच्च कुलीन ब्राह्मण। मेरे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर क्या तुम मुझे यह जानकर स्वीकार करोगी? तो यह है इस उपन्यास वात भक्षा जो लिखा है उषा किरण खान ने, उसका एक अंश। उषा किरण खान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 24 अक्टूबर 1945 को जन्मी उषा किरण खान आज भी लगातार और धारा प्रवाह लिख रही हैं, हिंदी में भी और मैथिली में भी। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उषा किरण खान ने कोई भी ऐसी विधा अब तक नहीं छोड़ी है। इनके उपन्यास हिंदी में है, इनके उपन्यास मैथिली में है, हिंदी में नाटक कहाँ गए उगना और मेरे और हीरा डोम, ये बहुत ही पॉपुलर नाटक है। और पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, प्रबोध साहित्य सम्मान मिला है और अभी अभी उन्हें ढींगरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैंने इस किताब में से इस एक अंश को पढ़ने की जरूरत की है। आप सबको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि
अगली बार फिर से मैं किसी किताब या किसी और एक किसी किताब के अंश के साथ लेकर आऊंगी और आपको कुछ और नया सुनाऊंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, शुभ है। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी, बहुत बहुत प्रणाम।